लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पार्टी के महासचिव रवि वर्मा, सपा एमएलसी शशांक यादव समेत जिले के कई वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष मदद देने के लिए इकट्ठा हुए थे। असल में भानु गुप्ता नाम के एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान सुसाइड कर लिया था, जिसके परिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और इसी मदद को परिवार तक पहुंचाने के लिए सपा के नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन काफी भीड़भाड़ जमा हो गई और सभी सपा के नेता भी वहां बिना मास्क के दिखाई दिए। तो 1 लाख रुपए देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पैसे दे रहे हैं, सपा नेताओं की भीड़ जुट गई। ऐसी भीड़ पहुंची, ऐसे समर्थकों के साथ पहुंचे कि मानो देश में लॉकडाउन ही नहीं और इन्हें छूट मिल गई है भीड़ जुटाने की। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पार्टी के महासचिव रवि वर्मा, सपा एमएलसी शशांक यादव समेत जिले के कई वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष मदद देने के लिए इकट्ठा हुए थे। असल में भानु गुप्ता नाम के एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान सुसाइड कर लिया था, जिसके परिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और इसी मदद को परिवार तक पहुंचाने के लिए सपा के नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन काफी भीड़भाड़ जमा हो गई और सभी सपा के नेता भी वहां बिना मास्क के दिखाई दिए। तो 1 लाख रुपए देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पैसे दे रहे हैं, सपा नेताओं की भीड़ जुट गई। ऐसी भीड़ पहुंची, ऐसे समर्थकों के साथ पहुंचे कि मानो देश में लॉकडाउन ही नहीं और इन्हें छूट मिल गई है भीड़ जुटाने की। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पार्टी के महासचिव रवि वर्मा, सपा एमएलसी शशांक यादव समेत जिले के कई वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष मदद देने के लिए इकट्ठा हुए थे। असल में भानु गुप्ता नाम के एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान सुसाइड कर लिया था, जिसके परिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और इसी मदद को परिवार तक पहुंचाने के लिए सपा के नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन काफी भीड़भाड़ जमा हो गई और सभी सपा के नेता भी वहां बिना मास्क के दिखाई दिए। तो 1 लाख रुपए देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पैसे दे रहे हैं, सपा नेताओं की भीड़ जुट गई। ऐसी भीड़ पहुंची, ऐसे समर्थकों के साथ पहुंचे कि मानो देश में लॉकडाउन ही नहीं और इन्हें छूट मिल गई है भीड़ जुटाने की। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पार्टी के महासचिव रवि वर्मा, सपा एमएलसी शशांक यादव समेत जिले के कई वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष मदद देने के लिए इकट्ठा हुए थे। असल में भानु गुप्ता नाम के एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान सुसाइड कर लिया था, जिसके परिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और इसी मदद को परिवार तक पहुंचाने के लिए सपा के नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन काफी भीड़भाड़ जमा हो गई और सभी सपा के नेता भी वहां बिना मास्क के दिखाई दिए। तो 1 लाख रुपए देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पैसे दे रहे हैं, सपा नेताओं की भीड़ जुट गई। ऐसी भीड़ पहुंची, ऐसे समर्थकों के साथ पहुंचे कि मानो देश में लॉकडाउन ही नहीं और इन्हें छूट मिल गई है भीड़ जुटाने की। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पार्टी के महासचिव रवि वर्मा, सपा एमएलसी शशांक यादव समेत जिले के कई वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष मदद देने के लिए इकट्ठा हुए थे। असल में भानु गुप्ता नाम के एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान सुसाइड कर लिया था, जिसके परिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और इसी मदद को परिवार तक पहुंचाने के लिए सपा के नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन काफी भीड़भाड़ जमा हो गई और सभी सपा के नेता भी वहां बिना मास्क के दिखाई दिए। तो 1 लाख रुपए देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पैसे दे रहे हैं, सपा नेताओं की भीड़ जुट गई। ऐसी भीड़ पहुंची, ऐसे समर्थकों के साथ पहुंचे कि मानो देश में लॉकडाउन ही नहीं और इन्हें छूट मिल गई है भीड़ जुटाने की। लखीमपुर खीरी में समाजवादी पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई।
पार्टी के महासचिव रवि वर्मा, सपा एमएलसी शशांक यादव समेत जिले के कई वर्तमान और पूर्व जिलाध्यक्ष मदद देने के लिए इकट्ठा हुए थे। असल में भानु गुप्ता नाम के एक युवक ने लॉकडाउन के दौरान सुसाइड कर लिया था, जिसके परिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई थी और इसी मदद को परिवार तक पहुंचाने के लिए सपा के नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन काफी भीड़भाड़ जमा हो गई और सभी सपा के नेता भी वहां बिना मास्क के दिखाई दिए। तो 1 लाख रुपए देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम पैसे दे रहे हैं, सपा नेताओं की भीड़ जुट गई। ऐसी भीड़ पहुंची, ऐसे समर्थकों के साथ पहुंचे कि मानो देश में लॉकडाउन ही नहीं और इन्हें छूट मिल गई है भीड़ जुटाने की। सुसाइड नोट है, वही अपने आप सरकार के लिए संदेश, उसने यही तो